होली आते ही महानगर के बाजार खरीदारों से पट जाते हैं और अगर बात की जाए पिचकारी और रंगों की तो लगभग एक हफ्ते पहले से ही इसका बाजार गुलजार हो जाता है। होली का त्यौहार अपने पूरे शबाब पर है, बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं और लोग भी खरीदारियों में जुटे हुए हैं। मानो पूरे शहर की भीड़ उर्दू बाजार, पांडे हाता और घंटाघर में आकर ठहर गई है। हर बार की तरह इस बार भी अलग अलग पिचकारियां लोगों को अपनी ओर खींच रही है। पिचकारियों के बाजार में 10 रुपए से लेकर 1000 तक की पिचकारी मौजूद है। हर पिचकारी अपने आप में बेहद अलग और नायाब है। प्लास्टिक के पिचकारियों पर दबदबा पूरी तरह से देखा जा सकता है। इन दुकानों पर आपके मन मुताबिक वह सभी पिचकारियां मौजूद हैं जो आजकल बच्चों में बेहद लोकप्रिय हैं। पिचकारी के साथ साथ रंग गुलाल भी बिकने शुरू हो गए हैं। सिर्फ गोरखपुर में ही नहीं बल्कि दूर दराज इलाकों से फुटकर व्यापारी और खरीदारों का इन दुकानों पर सुबह से ही तांता लग रहा है। पिछले कुछ सालों से रंगों की जगह अबीर और गुलालों ने ले ली है, इसी वजह से इसकी खरीदारी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। अबीर और गुलालों की बड़ी खेप हर रोज़ इन दुकानों से निकल रही है जो पूरे गोरखपुर ज़िले तक पहुँचेगी। पिचकारी और रंग के अलावा मुखौटों ने भी लोगों को खूब लुभाया है। जहां एक ओर पिचकारियां बच्चों की पसंद है तो वहीं दूसरी ओर तरह तरह के मुखौटे युवाओं को अपनी ओर खींच रहे हैं। अभी 2-3 दिन तक रंगों का ये बाजार